स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना में असाधारण बहादुरी और साहस के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र और महावीर चक्र जैसे और भी कई वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। आइए बताते हैं ये पुरस्कार कब और क्यों दिए जाते हैं। परमवीर चक्र, यह सेना में मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह बहादुरी और आत्मबलिदान के लिए दिया जाता है। यह कांसे में गोलाकार आकार में होता है। इसके ऊपर केंद्र में राज्य का उभरा हुआ प्रतीक होता है। इस पर इंद्र के वज्र की चार प्रतिकृतियां बनी होती हैं। यह मेडल सादा बैंगनी रंग के फीते के साथ दिया जाता है। महावीर चक्र, वीरता के लिए मिलने वाला यह दूसरा बड़ा सम्मान है। दुश्मन के सामने हवा, पानी या जमीन पर असाधारण वीरता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह चक्र असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। यह सिल्वर का बना गोलाकार आकृति का मेडल होता है। यह आधा सफेद और आधा नारंगी रंग के फीते के साथ दिया जाता है। इसके ऊपर के हिस्से पर पांच कोनों वाला उभरा हुआ सितारा होता है। वीर चक्र, दुश्मन को परास्त करने में दिखाई गई अभूतपूर्व वीरता के लिए दिया जाता है। इसे भी युद्ध काल में साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। यह मेडल सिल्वर का बना होता है। इसमें भी पांच कोनों वाला उभरा हुआ सितारा होता है। यह आधा नीला और आधा नारंगी रंग के फीते के साथ दिया जाता है। अशोक चक्र, शांति काल में वीरता के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान। यह चक्र राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है। पहले इसे अशोक चक्र क्लास वन कहा जाता था। इसे हरे रंग के फीते के साथ दिया जाता है। फीते पर बिल्कुल बीच में नारंगी खड़ी लाइन होती है। कीर्ति चक्र, शौर्य और वीरता के लिए दिया जाता है। यह शांति काल में दिया जाने वाला वीरता पदक है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। यह सिल्वर धातु से गोलाकार आकार में बना होता है। इसके फीते पर दो नारंगी खड़ी लाइनें बराबर दूरी पर होती हैं। शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र अशोक चक्र के ही दो वर्ग हैं। शांति के समय वीरता प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पदक है ये। इसका मेडल कांसे से बना होता है। इसके फीते पर तीन खड़ी नारंगी लाइन बराबर दूरी पर होती हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।